हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह माली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक इमोशनल डिसीजन के ऊपर है कि हम बिजनेस में रहते हुए कैसे इमोशनल डिसीजन करके नुकसान करवा लेते हैं। मेरे दो मित्र हैं, एक आदमी ने अभी जनवरी महीने में उसके बेटे की शादी थी और उसने पैसे ना होते हुए भी 30 लाख रुपये के आसपास उसके ऊपर लगा दिया, और एक दूसरा दोस्त है मेरा जो पैसा भी है उसके पास, उसके बेटे की शादी भी है, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहा। इसमें मेरे जो शेयर करने वाली बात है, वो शेयर करने वाली बात ये है कि जो दूसरा दोस्त है जिसके बेटे की शादी थी, वो उसने मेरे को भी प्रेशराइज किया, मेरे से भी पैसे ले गया, मैंने पैसे दिए उसको, तो मेरा पैसा जो जहाँ मैंने मेरा लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा, दूसरी तरफ लग गया, ऐसे दोस्त के पास लग गया जिसके पास प्रोडक्टिविटी में पैसा नहीं लगा हो। यदि वो प्रोडक्टिविटी में पैसा लगा होता तो पैसा अब आराम से मुड़ जाता, आराम से वापस हो जाता। हम गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि हमारा जो हम लोन ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, तो लोन का पैसा है जो हम उसको सही प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर नहीं लगाते, इसलिए हमारा नुकसान हो जाता है। कहीं मकान पर पैसा ज़्यादा लग जाए, शादी पर पैसा ज़्यादा लग जाए, वो पैसा हमेशा ही आपको परेशान करता है। यदि आपका पैसा बिजनेस में लगे, इन्वेस्टमेंट हो, तो आपका पैसा बढ़ के आना है। यदि आपका पैसा इस इमोशनल डिसीजन पे लग जाए, जैसे कोई बड़ी कार ले ली किसी ने ये शादी पे जैसे लगा दिया, किसी ने घर पे लगा दिया, किसी ने अपने शौक पूरे करने के लिए घोड़े पे लगा दिया, किसी ने और चीज़ पे लगा दिया, तो वो पैसा जो हमेशा आपको नुकसान करता है। सो आपने ध्यान रखना है कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए, आपके पैसे का जो पैसे से पैसा आपका ट्रांसफ़र होना है, पैसे से पैसा बढ़ना है, उसके बारे में आप को पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मैं तो ये यहाँ तक भी कहता हूँ, जिस आदमी को पैसे के साथ पैसा कमाना नहीं आता, उसको पैसा खर्चने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, चाहे उसके पास उसके दादे का और उसके पिताजी का करोड़ों रुपया क्यों ना पड़ा हो। जब तक आपको पैसा जनरेट करना नहीं आता, तब तक आपको पैसा खर्चने का कोई हक नहीं। सो ये जो इमोशनल डिसीजन मेरे से हुआ है, तो मैंने इस जगह पे ऐसे आदमी को पैसे दे दिए जहाँ पर वो पैसे आने की उम्मीद ही नहीं है, और जो उससे मेरे को अपना कोई कागज पत्र करना चाहिए था, साइन करवाने चाहिए थे, वो भी अपनी दोस्ती की वजह से नहीं करवाया। सो मैं इस बात के लिए ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ी कि आप इस तरीके की ज़िंदगी में गलती ना करना। सो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, और बहुत सिंपल टॉपिक है, आम जिंदगी में काम आने वाला टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना, और जिन दोस्तों का कोई सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में सवाल भी कर सकते हो, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके। सो मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।